करीबी से हद तक दिखा दिया ना, देखने को बहुत ऐसा, ऐसा होता नहीं रियल में? नहीं होता, यूपी में आज भी ऐसे काफ़ी गांव है जो देखने को मिल जाएगा ये सब। हाँ। लेकिन उसमें एक एक रुपये की वैल्यू क्या होती है ये इंसान को पता। सो गाइज हाई वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज़ HM डिजिटल रिव्यूज़। आज मैं और रजनीश देखने पहुँचे हैं प्रीमियर जिस शो का, उसका पोस्टर आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। नाम है मट्टू की साइकिल, मट्टोस बाईसाइकिल। ये फिल्म एक आर्ट मूवी होने वाली है ऐसा मैंने ट्रेलर में देखा था और लोगों से सुना भी था कि आर्ट मूवी होने वाली है, बट आज इसका प्रीमियर है तो जाकर देखूंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा कि मूवी कैसी है, आर्ट मूवी है या कमर्शियल ड्रामा है। बाकी मीडिया रिव्यू आपको इसमें देखने को मिलेगा तो आप लोग एंड तक देखना, लाइक जरूर कर देना इस पब्लिक रिव्यू को, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा चैनल दैट इज़ HM डिजिटल रिव्यूज़। लगी बहुत डिफरेंट सेंसिटिव, आई डिडंट नो कि प्रकाश झा कुड एक्ट आल्सो, सो आई थिंक दैट वाज अ रियल यू नो सम न्यू थिंग दैट पीपल गॉट टू नो। काफी रियल नहीं लगी मूवी? बहुत रियल लगी। हाँ, बहुत ज्यादा रियल, रूरल एंड यू नो बहुत ट्रू आई थिंक जो उन्होंने दर्शाया दैट हाउ विलेजेस में कैसे लोगों की लाइव्स होती हैं, कैसे उनका कैसी उनकी किस चीज़ों से उनको खुशियाँ मिलती हैं, किस चीज़ों से मतलब कितनी दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती हैं। सो बहुत ही मतलब रियल सिनेमा आई थिंक। कमर्शियल तो बिल्कुल नहीं है तो आर्ट, आर्ट सिनेमा। हाँ हाँ एब्सोल्युटली, आई थिंक OTT पे अच्छा चलेगी बिकॉज यू नो OTT पे ऐसा है ऑडियंस। आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 आई वुड से 3.5 to 4, मे बी इवन 4। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त है और एक्टिंग के मामले में तो मुझे ऐसा लगा शायद मैं बलराज सानी साहब की एक्टिंग देख रहा हूँ। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त मूवी लगी है और इसकी बारीकी से जो है फिल्म में हर सीन दर्शाया गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा सीन ऐसे हो गए अगर हम टच करा हमारे दिल को तो बहुत भावुक होकर रहेगा। मतलब एक साइकिल जो कि 3-3.5 हज़ार की आती है उसमें हमें फिल्म देख के ऐसा लगा कि भाई 3.5 हज़ार भी बड़े बड़ी अमाउंट होती है। बहुत ज़्यादा इस हिसाब से, जिस परिवार के हिसाब से दिखाया है इसको क्लास, तो वो लगता है। और जो उसमें शुरुआत वाले सीन में हमने देखे हैं फिल्म के गाँव वाले सीन, उसमें हैंडपम्प वाला सीन हो गया, कुएँ वाला सीन हो गया, तो उसमें लगा जैसे हम अपने बचपन में जो है पहुँच गए हैं। तो बहुत ज़्यादा करीब से जो है फिल्म को इतने प्यार से बनाया गया है कि ना कोई शोर शराबा है और उसको हर किसी ने अपने लगाव के साथ देखा है। तो 5 में से कितने स्टार देंगे? मैं तो 5 में से 5 दूंगा। मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, यू नो कॉन्सेप्ट बहुत अलग था। हम उस स्टेज में चले जाते हैं, हमारे बचपन में अपने नानी दादी के गांव में जाया करते थे, बट ये सैड है कि अभी भी कुछ इस तरह के गाँव हैं जहाँ पानी भरने के लिए आपको पास के गाँव में जाना पड़ता है। ये जो इसमें साइकिल के लिए जो दिखाया है कि एक गांव का रहने वाला शख्स जो मजदूरी करके अपना घर पाल रहा है उसकी साइकिल ख़राब हो जाती है और फिर वो साइकिल ख़रीदने के पीछे जुनूनी हो जाता है, लेकिन वही है 3.5 हज़ार की वैल्यू भी इसमें दिखाई है कि 3.5 हज़ार की वैल्यू कितनी होती है, तो कितना कनेक्ट कर पाया फिल्म से? देखिए बी ऑनेस्ट, मेरा अगर मैं बचपन में भी हमने अपने पेरेंट्स से साइकिल मांगी हमें मिली, अगर हमें बड़े होकर कुछ चाहिए हमें मिला है, तो वहाँ पर वो थोड़ा इमोशनल होता है क्योंकि हमें चीज़ों की कदर नहीं है, हमें जो चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है कुछ भी हमें चाहिए हो। बट जो फिल्म है वो काफ़ी इमोशनली आपको टच करती है कि एक गरीब के साथ आप किस तरह का व्यवहार करते हैं। उसकी साइकिल चोरी हुई तो कोई नहीं सुनता, अगर शायद किसी की कार चोरी होती, स्कूटी चोरी होती, वहाँ पर उसकी FIR लिखी जा सकती थी बहुत आराम से, बट उसकी साइकिल की FIR तक कोई नहीं लिखता। With the climax of this movie? Yes, ठीक है, मतलब थोड़ा सेटिस्फाई नहीं कर पाते क्योंकि ऐसा लगता है कुछ अधूरा रह गया आखिर में। हाँ। तो वहाँ पर थोड़ा। Out of 5 आप कितना देंगे? 4 स्टार। Alright, thank you. सर कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत ही सिंपल और बहुत इंगेजिंग, बहुत स्लो फिल्म, आर्टी फिल्म होने के बावजूद भी बोर नहीं करती और फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है। क्लाइमैक्स बहुत ओपन एंडिंग रखा गया है। हाँ, मतलब हीरोइक एंडिंग नहीं है जैसे कि हम आमतौर पे एक्सपेक्ट करते हैं कि पता नहीं प्रधान जी को कुछ ये कर दे, थप्पड़ मार दे, कुछ भी कर दे, तो बहुत ही रियलिस्टिक एंड है बहुत फिल्म का। सो एक्टिंग कैसी लगी प्रकाश झा? शानदार। आई मीन एज अ एक्टर आई फील ही हैज अराइव्ड, एज अ डायरेक्टर ही वॉज ऑलवेज एस्टैब्लिश्ड, बट मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद लोग उनकी एक्टिंग का भी लोहा मान जाएंगे। आउट ऑफ 5 कितने देंगे आप? आउट ऑफ 5, 5, 5, ऑलराइट। सो यू लव्ड इट? आई लव्ड इट। सो कमर्शियल सिनेमा जो पसंद करते हैं वो जाएंगे इसमें? नहीं जाएंगे। आजकल मुझे लगता है OTT के आने के बाद ऑडियंस बहुत ही अवेयर हो गई है जी। और लोग अलग अलग चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें देखना पसंद कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक निश फिल्म है, मास अपील नहीं है इस फिल्म में, तो लोग पैसे खर्च करके जाएंगे ज़रूर। जाना चाहिए, लोग को पसंद आएगी तो माउथ पब्लिसिटी से शायद लोग जाएँ। Alright. आप देखें, आपको अच्छी लगे, हम देखें। फिल्म तो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, थैंक यू। अच्छी लगी फिल्म? अच्छी थी, दिल को छुआ फिल्म ने?
दिल को छुआ, लेकिन प्रकाश झा की एक्टिंग थोड़ी मज़ा नहीं आया। प्रकाश नहीं आया उसमें, कोई और एक्टर फ्लैट थी, बहुत फ्लैट थी। तो आउट ऑफ, हाँ आउट ऑफ फाइव, आउट ऑफ फाइव में उसको 3 दे दूँ। नाइस मूवी, अच्छी है, इट्स गुड। तो जो इसमें दिखाया है कि एक साइकिल के लिए जो जुनून दिखाया है एक गांव में रहने वाले इंसान का, आपको कनेक्ट किया उसने? आई थिंक गांव में ही नहीं, शहर में भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, तो आज मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। अगर मेरे को भी एक साइकिल लेनी है तो आई एम थिंकिंग सपोज आई वांट टू बाय 5,000-6,000, और अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होगा आई फील वेरी बैड। एग्जैक्टली, तो मतलब इनकी लाइफ livelihood was dependent on this. I think very well knit story portrayed. What about the acting of Prakash Jha? He's done a good job. I think he possibly इनके शायद ये अपना अतीत दिखा रहे थे मुझे, I don't know. maybe. So out of five? To five. I think with four. Four. All right. Thank you. यार क्या बताऊँ, इसमें ना बहुत ज़्यादा गरीबी से हद तक दिखा दिया ना, देखने को बहुत ऐसा। तो ऐसा होता नहीं रियल में? नहीं होता, यूपी में आज भी ऐसे काफ़ी गांव हैं जो देखने को मिल जाएगा ये सब। हाँ। लेकिन उसमें एक एक रुपये की वैल्यू क्या होती है ये इंसान को पता पड़ी है इसमें। जैसे साइकिल की जितना दिखाया है कि 3,500 की साइकिल भी बड़ी, साइकिल 3,500 की वैल्यू इसमें जो दिखाई गई है ना वो बहुत, और साइकिल को इसलिए उसने ज़्यादा महत्व दिया क्योंकि उससे वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, इस वजह से उसने साइकिल को बहुत महत्व दिया। बाकी अच्छी लगी, 5 में से कितने स्टार? 4 स्टार। और प्रकाश झा की एक्टिंग कैसी लगी? बहुत बढ़िया, जमे हैं वो किरदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम मजा काट दिया उन्होंने। चलिए देख ली है हमने मूवी और मीडिया रिव्यू भी आप लोगों ने देखा। तो मैंने जैसे कि आपसे इंट्रो में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये आर्ट मूवी है या कमर्शियल ड्रामा है, तो मैं आपसे क्लियरली बोल देता हूं कि ये एक आर्ट मूवी है। तो जिन लोगों को आर्ट मूवी पसंद आती है वो लोग जाके इस मूवी को ज़रूर देखें। बाकी मीडिया रिव्यू आप लोगों ने देख लिया है कि कैसा लगा है मीडिया को ये मूवी का प्रीमियर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छी लगी है ये वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा चैनल दैट इज़ HM डिजिटल रिव्यूज़। थैंक यू।